नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। मैं भी मैदान में कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 6, जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं प्रेम बाबू वाल्मीकि जी। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन मुद्दों के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या क्या रणनीति है। प्रेम बाबू जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हुए हम वाल्मीकि समाज की और समस्त हमारा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 6, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र की बहुत ही अनदेखी यहाँ के पूर्व पार्षदों ने की है। यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया है। यहाँ पे कर्मचारियों की भी संख्या कम है, कर्मचारी भी नहीं है। कर्मचारियों को भी बढ़वाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अनस्टाफ क्षेत्र है, इसलिए सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं है। और ना ही सड़कों का जाल है, ना ही खम्भे हैं, मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ जो है क्षेत्र है ये। यहाँ पर पानी की पेयजल की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मेरा तो बस यही है कि जैसा क्षेत्र हम लोगों ने चुना है वो पिछड़ा हुआ तो है ही, पिछड़ों के साथ साथ जो है दलित बस्ती भी है, मलिन बस्ती। मलिन बस्ती के नाम पर दलित बस्तियों का जो सुधार होना था उस हिसाब से सुधार ही नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात, बिजली के खंभे नहीं है, बिजली के तार लटके पड़े हैं। कोई तारों वाली गली है, कोई कैसी वाली गली है, मतलब जो है आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मतलब विकास नाम का कोई काम नहीं हो पाया। चुनाव लड़ने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब मैं अपने क्षेत्र के अंदर इसके अंदर घूमता था, अपनी बस्ती में आता था, जब मैंने यहाँ का देखा तो बहुत ही मतलब गंदगी और तुम्हारे की सड़कें टूटी फूटी, पाइपलाइन नहीं थी, मतलब जो है कोई भी ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। इसकी वजह से जो है मेरी भी इच्छा करी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ और क्षेत्र का विकास करूँ। और लोगों ने मुझसे कहा भी क्षेत्र के कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे। क्षेत्र के लोगों की जो है कहने पर मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया। पार्षद द्वारा क्षेत्र में लगभग अब तक कितना विकास कराया? मेरे जहन में तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब भी हम सर्वे करके आ रहे हैं, 0/0 है यहाँ पर। सारी सड़कें फूटी पड़ी, जिस जगह बिजली के खंभे नहीं पहुंच पाए हो, जिस जगह सड़कें नहीं बन पाई हो, जिस जगह मतलब आदमी का जीवन जो है दूभर हो गया हो, कच्ची सड़कों में पानी फिर रहा हो, नालियों का पानी ऊपर सड़कों में फिर रहा हो, तो वहां कर जो है मतलब स्थिति कैसी होगी? सड़कों पर कीड़े डोल रहे पानी के अंदर। ठीक है, अपने चुनाव में और भी प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? मैं तो अपनी टक्कर किसी से भी नहीं मानता। हमारी टक्कर किसी से नहीं है, आप देख लेना चाहें। आपकी जीत का आधार क्या है? हमारी जीत का आधार, क्योंकि हमारी छवि बहुत, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, और करीबन 25 साल की हमारी राजनीति है। राजनीति पार्टी से जुड़े रहे हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं, शहर अमन कमेटी से भी जुड़े रहे हैं, पीस कमेटी से भी जुड़े रहे हैं, और मतलब शांति समिति की हर मीटिंग में हम लोग जाते हैं। तो हमारा तो किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र वार्ड 6 के अंदर 9 प्रत्याशी हैं, पार्षद पद के लिए 9 प्रत्याशी हैं। क्षेत्र की जनता खूब मंथन कर ले, हर प्रत्याशी को तोल ले, नाप ले, जो उनके हित की बात समझता हो, जो उनके काम कार्य करा सकता हो, जो राशन कार्ड से लेकर नेत्रों के मतलब नेत्र की जांच के सिविल लगवा सकता हो, आधार कार्ड वगैरह, ये तो सब छोटी सी बातें, आधार कार्ड वगैरह जो है, राशन कार्ड वगैरह, मतलब मेरा विचार जो है कुछ अलग हटके करने का। ये थे हमारे साथ प्रेम बाबू वाल्मीकि जी। अब एक छोटा सा हमारे चैनल के द्वारा ज्ञान के विषय में संज्ञान लिए, अब हम जानेंगे ज्ञान के विषय में। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र कुमार दामोदर दास नरेंद्र मोदी। भारत की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। महिला है पार्टी की स्थापना किस साल में? 1992 में। हम चलते जनता ही तो देखेंगे, जनता चुनाव को लेकर विधान की जरूरत दिखा रही है। आपका नाम? किस
जी हम तो पटवारी चुनने जाएंगे, हमारी हर शिकायत को जो हमारे सड़कें टूटी फूटी शिकायत हमारे काम सके और सुविधाएं खम्भे वगैरह जिसको विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। पिछली जो सभासद रह चुके हैं कोई विकास नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? और ये चाहते हैं ये विकास करें हमारा, इनको हमने चुना है। क्षेत्र में हमारी समस्या है, बहुत समस्या है क्षेत्र में। अभी तक हमारे क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार प्रेम बाबू जी यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी जनता का प्यार, पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है और वो जनता के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से लोग क्षेत्रों में जाकर सर्वे कर रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र में जाकर अपने वार्ड नंबर 6 में पूरा जायजा लिया गया है, जिससे कि सड़कों के अंदर फूटी पड़ी है, लोग के अंदर उखड़े पड़ा है और लोग गिर भी गए हैं और हमें बहुत शिकायत मिली है। हमारे इन्हें सभासद जी को शहरी समाज का, प्रदेश समाज का, सारे समाज का इन्हें समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और इनकी जो जीत की उम्मीद पूरी है और जहाँ तक उम्मीद है ये सभासद बन के आएंगे हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में, ये क्षेत्र का जो है पूरी कायात बदल देंगे और ऐसे हमें सभासद चाहिए जो क्षेत्र को अपने माने और जनता के प्यार के अंदर घुसे। क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वही लोग वहाँ पर आए, पीड़ा है पानी के अंदर, नला तक सही नहीं हुआ, 5 साल हो गए उन्होंने जा रहा है। क्या चाहते हैं? बोल रहे कम से कम वो नल सही होगा और जो विकास होना वो विकास तो होगा, बच्चे छोटे बड़े सभी पानी पी रहे हैं। ये थे हमारे साथ वार्ड 6 के पार्षद प्रत्याशी प्रेम बाबू वाल्मीकि जी। समाजवादी पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, आप देखने होंगे जनता भी इन पर कितना विश्वास जताती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी हिमांशु शुक्ला के साथ पब्लिक टीवी इंडिया मुरादाबाद।